वेलकम स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रज्ञा पैठणकर फ्रॉम पायोनियर पब्लिक स्कूल। ईश्वर हमारी सहायता कब करते हैं, तो आइए देखें इस पाठ के माध्यम से। सरस्वती नई दीपमणि का संस्कृत पाठ्य पुस्तकम कक्षा अष्टमी प्रथम पाठ प्रयत्नशीलानां देवोपि सहायकः। अर्थ है प्रयत्नशीलाना मतलब कोशिश करने वालों की, देवोपि मतलब देव या ईश्वर भी सहायक होते हैं, उनकी सहायता करते हैं। बच्चों आपको यह चित्र दिख रहा है, चित्र में क्या हुआ है कि एक जो बैलगाड़ी है कीचड़ में फंस गई है और जो आदमी उसमें बैठा है वह क्या कर रहा है, ईश्वर की प्रार्थना कर रहा है। भगवान से केवल प्रार्थना करने से बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से निकल जाएगा, आपको लगता है ऐसे? अगर उसे बैलगाड़ी को कीचड़ से निकालना है तो कुछ ना कुछ कोशिश करनी होगी, सही बात है। लेकिन यह आदमी केवल क्या कर रहा है, ईश्वर की प्रार्थना कर रहा है। तो आइए इस पाठ में अभी हम देखेंगे तो इस आदमी ने क्या किया है, इस पाठ के द्वारा हमें समझना है। एक देव भक्त आसीत, एक देव भक्त मतलब ईश्वर का भक्त आसीत मतलब था। यहां देखिए लंग लकार का रूप दिया गया है जिसे आप भूतकाल भी कहते हैं। सह प्रतिदिनं भक्त्या देवस्य प्रार्थनां करोति स्म। सह मतलब वह, उस आदमी के लिए प्रयोग किया गया यह सर्वनाम, सर्वनाम का रूप है पुल्लिंग का। सह प्रतिदिन मतलब वह प्रतिदिन मतलब हर रोज भक्त्या मतलब भक्ति से देवस्य मतलब ईश्वर की षष्ठी विभक्ति का रूप है प्रार्थना करोति स्म मतलब प्रार्थना करता था। यह देखिए करोति स्म, यह जो ती प्रत्यय है लट लकार का है, लेकिन लट लकार के प्रत्यय के सामने जब स्म अव्यय लगता है तो उसका अर्थ भूतकाल जैसे होता है, ठीक है। देव कृपया मह्यम आरोग्यम यच्छतु धनम यच्छतु। वह आदमी क्या प्रार्थना करता था कि देव हे ईश्वर कृपया मह्यम मतलब मुझे आरोग्य दो, यह लोट लकार का रूप है, क्या दो मतलब आरोग्य मतलब यह अच्छा स्वास्थ्य, और धनम यच्छतु और धन दो ऐसे। सह किंचिदपि प्रयत्नं न करो किमपि कार्यं न करो मतलब वह क्या करता था, किंचित मतलब कुछ भी, अपि अर्थ है भी, किंचित अपि मतलब कुछ भी प्रयत्नं न करो कुछ भी प्रयत्न नहीं करता था। यहाँ देखिए क्रु करोति का लंग लकार का रूप आया है, किमपि कार्यं न करो और कुछ भी काम भी नहीं करता था। देवः एव सहायतां करिष्यति इति तस्य विश्वासवास, क्या विश्वास था उसका कि देवः एव मतलब ही मतलब ईश्वर ही परमेश्वर ही सहायतां करिष्यति क्या करेंगे सहायता करेंगे इति मतलब ऐसा तस्य उसका विश्वास आसीत मतलब था। तो क्या विश्वास था कि ईश्वर ही सहायता करेंगे मतलब वो खुद कुछ नहीं करेगा, ईश्वर ही उसकी सहायता करेंगे ऐसा उसका विश्वास था। अभी देखिए आगे क्या हुआ है। एकस्मिन् दिवसे सह ऋषभ शकटेन गच्छति स्म, फिर से स्म का उपयोग किया है, इसका अर्थ कैसे करने हमें भूतकाल की तरह करना है। एकस्मिन् दिवसे मतलब एक दिन, सह मतलब वह जो आदमी था, ऋषभ शकटेन शकट मतलब गाड़ी मतलब बैल गाड़ी द्वारा गच्छति स्म जा रहा था। मृण मार्ग आसीत, क्या था मार्ग मतलब रास्ता, मृद मतलब मिट्टी, मिट्टी का रास्ता था। तदैव विच्छेद क्या होता है तदा प्लस एव, तदैव वृष्टि ही आरभत और तदा मतलब तभी वृष्टि ही मतलब बारिश आरभत शुरू हो गई। घटिका त्रयम वृष्टि ही निरंतरम आगत, क्या हुआ आगे घटिका त्रयम मतलब त्रयम मतलब तीन घटिका घंटा, तीन घंटे तक वृष्टि ही बारिश निरंतरम आगतवती मतलब लगातार शुरू थी। तदा
तस्य षटस्य चक्रम मार्गे पंके निमज्जितम। क्या हुआ फिर बना मतलब तब तस्य षटस्य चक्रम मतलब उसके गाड़ी का चक्र मतलब पहिया मार्गे मार्ग में पंक मतलब कीचड़ यहाँ सप्तमी का प्रयोग किया है मार्ग में कीचड़ में निमज्जितम फंस गया। अभी देखो उसका उसकी जो बैलगाड़ी थी उसका पहिया कीचड़ में फंस गया तो आगे उसने क्या किया देखिए यहाँ सह उपविश्य प्रार्थना कृतवान। सह मतलब वह उपविश्य बैठकर ठीक है यहाँ लेव करु का प्रयोग किया है उपविश्य मतलब वह बैठकर उस प्रार्थना की उसने बैठकर प्रार्थना की देव कृपया मम सहायम करो तू क्या की प्रार्थना हे ईश्वर कृपया मम मतलब मेरी सहायता करो अहम तु तव परम भक्तोस्मि यहाँ देखिए विच्छेद क्या होगा परम भक्तोस्मि परम भक्त या अवग्रह की जगह हम अ लिखते हैं और पहले जो आपको परम भक्तो दिख रहा है वहां अह करना है तो विच्छेद क्या होगा परम भक्त प्लस अस्मि अहम तु मतलब मैं तो तव मतलब तुम्हारा परम भक्तोस्मि परम भक्त अस्मि मतलब श्रेष्ठ भक्त हूँ मई कृपा करो तो मतलब मुझ पर कृपा करो तस्मिन् अवसरे एकः सज्जनः तत्र आगतवान। तस्मिन् अवसरे मतलब उस समय एकः सज्जन मतलब एक सज्जन व्यक्ति तत्र मतलब आप अव्यये आगतवान आया भक्तं दृष्ट्वा पृष्टवान मतलब उस आदमी को उस भक्त को दृष्ट्वा देखकर तो देख कर पृष्टवान उसने पूछा भो मित्र काचित सहायता वांछसि न वा हे मित्र काचित मतलब कुछ सहायता की इच्छा करते हो क्या तुम्हें कुछ सहायता चाहिए क्या तदा भक्त उक्तवान तदा मतलब तब वह भक्त उक्तवान बोला भवतः सहायम न आवश्यक क्या बोला वह आपकी सहायता की आवश्यकता नहीं है देव एव मम सहायम करिष्यति क्या बोला वो आगे व्यक्ति कि ईश्वर की एव मतलब ही अव्य ईश्वर ही मम मतलब मेरी सहायता करेंगे यहाँ देखिए करिष्यति रूप लकार जिसे हम भविष्य काल कहते हैं ठीक है इति व्यक्ति ने क्या बोला है उस भक्त ने क्या बोला था कि ईश्वर ही मेरी सहायता करेंगे इति तदा सज्जन वो गतवान तदा मतलब कब वो सज्जन जो व्यक्ति आया था वो गतवान गया। अभी आगे देखिए हमने अभी जो अनुच्छेद देखा है उस पर आधारित शब्दों के अर्थ फिर से देखेंगे देव भक्त ईश्वर का भक्त आरोग्यम मतलब अच्छा स्वास्थ्य क्योंकि वह जो व्यक्ति था भक्ति करता था उस वह ईश्वर से क्या प्रार्थना करता था कि मुझे आरोग्य दो धन आरोग्यम यच्छतु धनम यच्छतु मतलब अच्छा स्वास्थ्य दो। ऋषभ शकटेन मतलब बैलगाड़ी द्वारा मृणमार्ग मिट्टी का रास्ता दृष्टि ही बारिश अंके कीचड़ में निमज्जितः फंस गया। अभी संधि विच्छेद यहां देखो अभी विस्तार से तो हम आगे देखेंगे लेकिन इस पाठ में अभी जो हमने सीखा है उस पर आधारित कुछ संधि विच्छेद यहाँ है किम अपि क्या विच्छेद होता है किम प्लस अपि परम भक्तोस्मि अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो एस जैसे दिखते हैं इसे बोलते हैं अवग्रह इसकी जगह हम लिखते समय क्या करते हैं विच्छेद जैसे अ लिखते हैं ठीक है परम भक्त अस्मि तदैव तदा प्लस एव लो तो आगे क्या हुआ देखते हैं। अभी जो पहला सज्जन व्यक्ति आया था पूछने के लिए वो गया एवं एव एवं एव प्रकारेण क्रमशः अनेके जनाः आगच्छन् आगच्छन् अपृच्छत् ये सब लंग लकार के रूप है यहाँ ठीक है एवं एव प्रकारेण मतलब एवं इस प्रकार से क्रमशः मतलब क्रमशः अनेके जनाः आगच्छन् मतलब अनेक लोग आगच्छन् आए च अपृच्छन् च अव्यय अर्थ होता है और आए और उन्होंने पूछा वो मित्र
किंचित सहायम आवश्यकम नवा इति। हे मित्र, तुम्हें कुछ सहायता की आवश्यकता है क्या? सह तथैव उत्तरत यत् देवः एव सहायं करिष्यति। सह मतलब वह को, वह जो भक्त था ईश्वर का, तथैव उसी तरह, तथा एव विच्छेद है, तथा एव उसी तरह उसने उत्तर दिया, यत्ति देवः एवं एव सहायं करिष्यति, मतलब देवी ईश्वर की सहायता करेंगे। वृष्टि ही तीव्रा अभवत, उसके बाद क्या हुआ, बारिश और जोरों से हो गई। जलम तस्य कंठ पर्यंतम आगतवान तथापि तेन किमपि प्रयत्नम न कृतम। और जोरों की बारिश हुई तो उसके कारण क्या हुआ, जल मतलब पानी, जो बारिश का जो पानी था, तस्य कंठ पर्यंतम उसके गले तक, कंठ पर्यंतम गले तक आगतवान आया, तथापि फिर भी तेन किमपि प्रयत्नम न कृतम। तेन भी मतलब उसके लिए उसने किमपि कुछ भी प्रयत्न नहीं किया। परिणामतः अन्ते सह जले निमग्न भूत्वा मृतवान। परिणामतः क्या हुआ, अन्ते अंत में सह मतलब वह भक्त जले मतलब पानी में निमग्न डूब गया, निमग्न भूत्वा डूब कर, ठीक है, मृतवान मर गया। मरणानंतरम सह स्वर्गम गतवान देवम से पृष्टवान। मरणानंतरम मरने के बाद सह मतलब वह भक्त स्वर्गम गतवान, ठीक है, मरने के बाद वह कहा गया स्वर्ग गया, च देवम पृष्टवान और उसने ईश्वर से पृष्टवान पूछा, वो देव अहम भवतः परम भक्तोऽस्मि, परम भक्तः अस्मि। हे ईश्वर, अहम मतलब मैं, भवतः मतलब आपका, ये भवतः ईश्वर के लिए प्रयोग में आया है, आपका परम भक्त हूँ, श्रेष्ठ भक्त हूँ, तथापि फिर भी भवान संकट काले मम सहायतायै न आगतवान। तथापि फिर भी आप, भवान मतलब आप, आदरार्थी हम बोलते हैं भवत सर्वनाम का रूप है, संकट काले संकट काल में आपत्ति के समय में मम मतलब मेरी सहायतायै सहायता के लिए न आगतवान, नहीं आए। किमर्थम, इसलिए, उस भक्त ने कारण पूछा कि मैं तो आपकी इतनी भक्ति करता हूँ और मैं जब संकट में था तो आप मेरी सहायता के लिए नहीं आए। तदा देवः उक्तवान, तदा मतलब तब देवः उक्तवान, ईश्वर बोले, वो भक्त अहम तो अनेक वारम आगतवान पृष्टवान च। तब ईश्वर बोले कि हे भक्त, अहम को मतलब मैं तो अनेक वारम, वार मतलब बार, अनेक बार, बहुत बार आगतवान आया, च पृष्टवान और पूछा, सहायम आवश्यकम न वाइति, मतलब सहायता की आवश्यकता है या नहीं, परंतु सहायता की आवश्यकता है क्या, यह प्रश्न किया, परंतु भवान न स्वीकृतवान, परंतु भवान आपने स्वीकार नहीं किया। यदि भवान प्रयत्न एवं न करोति तर्हि अहम कथम सहायम कर्तुं शक्नोमि। क्या कहा भगवान ने, यदि मतलब अगर भवान मतलब आप प्रयत्न एवं फिर से ही प्रयत्न ही न करोति, करोगे नहीं, तर्हि तो अहम मैं कथम मतलब कैसे सहायता कर्तुम शक्नोमि, कर सकता हूँ। यहाँ कर्तुम में रू धातु है, मूल धातु रू है और तुमन लगाए उसके सामने, ठीक है, प्रत्यय कौन सा है, तुमन प्रत्यय है। तो सहायम कर्तुम, कथम सहायम कर्तुम शक्नोमि, तो मैं कैसे सहायता कर सकता हूँ। भगवान ने सही कहा है, मतलब अभी देखो यहाँ भगवान अलग अलग रूप में उसके सामने आए, लेकिन वह जो आदमी था वो केवल ईश्वर, ईश्वर के साक्षात दर्शन देंगे आपको, वो किसी भी रूप में आ सकते हैं। और उस भक्त के लिए भी आपने देखा है कि अनेक प्रकार के लोग, अनेक रूप वहां आए, उन्होंने उसे पूछा था कि किसी सहायता की आवश्यकता है क्या, तो उसने नहीं बोला, वो किसकी राह देख रहा था, ईश्वर की राह देख रहा था कि ईश्वर आएंगे और मेरी सहायता करेंगे। फिर अभी देखो आगे क्या हुआ, देवस्य वचनानि श्रुत्वा भक्तस्य ज्ञानोदय अभवत। यत, क्या ज्ञानोदय हुआ है, देखो अभी देवस्य मतलब ईश्वर के वचनानि, वचन श्रुत्वा सुनकर, ठीक है, यहाँ भी त्वा प्रत्यय, त्वा मूल धातु श्रु है और त्वा प्रत्यय लगाया यहाँ, सुनकर भक्त का ज्ञानोदय, ज्ञान का उदय अभवत, हो गया। यत प्रयत्नशीलानां
देवो भी सहाय हो, मतलब कोशिश करने वालों की, देवो भी मतलब ईश्वर भी सहायता करते हैं, ईश्वर भी उनके सहायक होते हैं, ईश्वर सहायता करते हैं, ठीक है। लेकिन आपको खुद को भी कुछ ना कुछ करना होगा, सिर्फ हाथ जोड़कर आप प्रार्थना करें कि ईश्वर मेरी मदद करो, मेरी सहायता करो, तो ऐसे करने से ईश्वर आपकी सहायता करेंगे। आपको खुद को भी कुछ ना कुछ प्रयत्न करने की जरूरत होती है, तभी हमें सफलता मिलती है। अगर इस भक्त ने किसी व्यक्ति की सहायता लेकर अपने बैलगाड़ी को वो कीचड़ से निकाल सकता था, लेकिन उसकी राह देख रहा था, सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था और खुद उसने कुछ भी प्रयत्न नहीं किया। तो जीवन में क्या जरूरी है, कोशिश करना। कुछ भी काम, अगर काम में सफलता प्राप्त करना है तो आपको कोशिश करने की आवश्यकता होती है, और जो कोशिश करने वाले लोग होते हैं तो भगवान भी उनकी सहायता करते हैं। आइए इस अनुचित पर आधारित शब्दार्थ कैसे देखें। निमग्न रूपया मरणांतरम, मरने के बाद संकट काले मुसीबत के समय में, संकट के काल में पृष्टवान पूछा, ज्ञानोदय ज्ञान प्राप्त करना, अंत में जो उस भक्त को ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। प्रयत्नशीला नाम कोशिश करने वालों की, अभी देखिए संधि विच्छेद, तथैव तथा प्लस एव, तथापि तथा प्लस अपि, एओपि, देखो हम अ का उच्चारण नहीं करते, लेकिन जब विच्छेद हम लिखते हैं देव प्लस अपि। धन्यवाद।